माय डियर फ्रेंड, यदि आप लगातार ओवरथिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हैं और ये पेनफुल आपके लिए हो चुकी है, तो ये वीडियो आपको रास्ता देगी। आप इसके साथ बने रहिएगा। यदि आप लगातार ओवरथिंकिंग करते हैं या आप नेगेटिव थिंकिंग की वजह से दर्द से परेशान हैं, तो इसका मतलब साफ है कि आपने रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न डेवलप किया है। साथियों, आज आप जिस भी चैलेंज से गुजर रहे हैं, जो भी आज आपकी समस्या है, आप लगातार उसके बारे में सोचते रहते हैं। आपका माइंड लगातार जब उसके बारे में सोचता रहता है, तो आपको लगता है कि ऐसा सोचने से मैं इस समस्या से बाहर आऊँगा, मगर इससे बाहर आने वाले नहीं है। यदि बाहर आने का रास्ता वहाँ से आपको मिलता, तो ये ओवरथिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग नहीं बनती, आपको आज दर्द नहीं होता। आपका माइंड सोचता है केवल समस्या के बारे में, क्योंकि आपने या उसने मिलकर के रॉन्ग थिंकिंग पैटर्न डेवलप किया है। आपको अपने माइंड को कमांड देनी होगी, ताकि वो दूसरे पहलू पर भी सोचना शुरू करे। दूसरे पहलू पर वो तभी सोचेगा तब आप उसको कमांड देना जानते होंगे। आप किसी घोड़े पर बैठे हुए हैं साथियों, और अपनी मर्जी से वो किधर भी आपको घुमा रहा है, जिन रास्तों से, जिस जंगल के बीच से वो आपको गुजार रहा है। आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको दर्द और दुख महसूस हो रहा है, लेकिन आप उसको कमांड देना नहीं जानते, मोड़ना नहीं जानते, तो अपनी मर्जी से भटकता रहेगा और आप उस भटकाव में फंसे रहेंगे। हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी, माय डियर फ्रेंड, इसी तरह से है। वो केवल आपकी कमांड पर काम करता है। आज आप जिस भी चैलेंज से गुजर रहे हैं, आप यहीं पर अपने माइंड को कमांड दें और बोलिएगा कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, अब इससे आगे क्या। अब इससे आगे क्या का मतलब, अब आप आगे की बात उससे पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। व्हाट इज नेक्स्ट नाउ की तब आप बात करेंगे, इससे आगे क्या की बात करेंगे, तो इसका मतलब आपने उसे दिशा दी, आपने उसे कमांड दी। अब आपका सबकॉन्शियस माइंड इससे आगे अब क्या हो सकता है उसकी बात करेगा। वो रास्ते आपको दिखाएगा, वो तरीके आपको सुझाएगा, वो लोग आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा, वो रिसोर्सेज और सोर्सेज से आपको कनेक्ट करेगा, जो इससे आगे आपको लेकर के चलेंगे, समस्या से बाहर निकालेंगे। आपका चाहे जो भी चैलेंज है, माय डियर फ्रेंड, आपको बिजनेस में लॉस हुआ है, आपका माइंड लॉस के बारे में सोचता रहेगा, आप बस यहीं पर रुक जाइएगा, उसे बोलिएगा कैंसिल कैंसिल कैंसिल, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, इससे आगे अब क्या। वो आगे का रास्ता आपको दिखाएगा। जॉब चला गया है, सोचना जॉब के बारे में बंद करें, केवल बोलिएगा कैंसिल कैंसिल, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ, व्हाट इज नेक्स्ट नाउ का मतलब अब इससे आगे क्या किया जा सकता है। रिलेशनशिप चली गई है, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, यहाँ पर भी आप बोलिएगा कि व्हाट इज नेक्स्ट नाउ। तब नेक्स्ट नाउ की हम बात करेंगे, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड आगे की बात करेगा, आगे का हमें रास्ता दिखाएगा। जब आगे का रास्ता हमें दिखाएगा, तो वहीं पर क्रिएशन होगा, वहीं पर रास्ता मिलेगा, वहीं पर हम एक्शन लेने के लिए मजबूर होंगे। दिखाए गए रास्ते से सिर्फ हमें आपको कनेक्ट करना है, आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपके डिसएम्पावरिंग थॉट्स एम्पावरिंग थॉट्स में बदल जाएंगे। आपके अंदर एक ऊर्जा का प्रवाह होगा, आप रास्ते पर चलने लगेंगे, आपको रास्ते दिखने लगेंगे, आपको रिजल्ट से मिलने लगेंगे। लेकिन साथियों, इसके लिए आपको अवेयरनेस का इस्तेमाल करना होगा, लगातार आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप मानते हैं कि आपको ओवरथिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग है, तो सिर्फ आप अवेयरनेस के साथ बार बार अपने अंदर में चेक करें, आपका माइंड क्या कर रहा है, समस्या को डिस्कस कर रहा है या सॉल्यूशन की बात कर रहा है। सॉल्यूशन की बात करने के लिए आप उसे कमांड दें, स्टॉप इट नाउ, व्हाट इज नेक्स्ट, अब इससे आगे क्या किया जा सकता है। कि जैसे ही आप अपने आप से बात करेंगे, आपके अंदर रास्ते हैं, आपके अंदर रास्ते भी हैं साथियों, आपके अंदर भटकाव भी है। अभी आप भटकाव में हैं, तो इसका मतलब रास्ता भी निश्चित है। भटकाव का उल्टा रास्ता है, दिशा है, जो आपके अंदर ही दिखेगी, लेकिन आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड या अपने आप से अंदर में कहना होगा। जब आपको रास्ते मिलेंगे, तो आपका जीवन बदलेगा, आपकी थकावट, आपकी परेशानी, आपका दर्द सुकून में बदल जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं ओवरथिंकिंग से परेशान हूँ, मैं नेगेटिव थिंकिंग से परेशान हूँ, क्योंकि जब हम रास्ते में चलते रहते हैं, क्रिएशन होता रहता है, कंस्ट्रक्शन होता रहता है, हमें सफलता मिलती रहती है, तो यहीं से हमारे अंदर ऊर्जा बहती रहती है, हम जीवन में सफलता की तरफ चलते हुए चले जाते हैं। सिर्फ साथियों, आप अपने इस प्रेशियस टूल का, जो हमें यूनिवर्स ने देकर के भेजा है,
सबकॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना सीखें, उसको राइट कमांड दें, राइट डायरेक्शन दें, वो रिजल्ट्स आपको देगा, आप आगे पहुंच पाएंगे। वरना जीवन में अटक जाएंगे, रुक जाएंगे। समस्या को केवल सोचते रहने से उसका सोल्यूशन नहीं होगा, इसका परिणाम केवल डिप्रेशन होता है, जो अपने आप में डिकेइंग है, आपको रोकता है, आपको अटकाता है, जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता। सुसाइडल थॉट्स आने लगते हैं, क्योंकि रुका हुआ पानी और रुका हुआ इंसान दोनों माय डियर फ्रेंड्स सट जाते हैं। आगे बढ़ने के लिए सिर्फ आपको रास्ता दिखना चाहिए। रास्ता दिखने के लिए सिर्फ आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से बोलें, आपको आज से ही रास्ता मिलेगा। आप अपने आप को कमांड दें, बस अवेयरनेस में बने रहें। शुरू में थोड़े से एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एफर्ट्स करेंगे तो आपके नए थिंकिंग पैटर्न डेवलप हो जाएंगे। आप आज जिस दलदल में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकल जाएंगे, आपके जीवन में फिर से रोशनी होगी, आपके जीवन में फिर से एक नई दिशा मिलेगी, दशा भी बदलेगी, जीवन बेहतर होगा। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट्स। यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।